जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोकनि देख रहल छी मिथिला मिरर। अपना ओहिठाम एकटा अदौ कालसँ कहावत छै जे नयन बिना पंथ भारी, अर्थात जँ अहाँके आँखि नहि अइ, जँ अहाँके कोनो चीजके दृष्टिगोचर नहि होइत अछि तऽ पूरा दुनिया जे छै से अन्हार छै। या एकरा आओर जे लोकोक्तिमे कही, मैथिलीमे एकटा आओर कहावत कहल जाइत छै जे सूरदास घी दऽ रहल छी तऽ जवाब भेटै छै जे गड़गड़े नहि बुझबै, अर्थात सूरदास आन्हर छलखिन हैं तऽ घी दै केना देल जाइ छै से ओ प्रायः देखलासँ नहि, ओ जे बूंद टपकतै ताहिसँ आभास करै छथिन। तऽ तैं शरीरमे हर अङ्ग बहुत बेसी महत्वपूर्ण छै, मुदा ओ तखन महत्वपूर्ण छै जखन अहाँके कोनो चीजके दृष्टिगोचर होइत छै, दृष्टिपात होइत छै। एखन हमरा सङ्गे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा छै जे MBBS MS छथि मौलाना आजाद कॉलेजसँ पास आउट छथि आओर आँखिके जे क्षेत्र छै या फेर कही जे आई के जे स्पेशलाइजेशन छनि हिनका, ओहिमे ओहिठामसँ दिल्लीसँ लऽ कऽ मधुबनी तक अपन बढ़िआँ उपस्थिति दर्ज करबौलनि हँ। आओर एहिठाम मधुबनीमे मीरा आई केयरके नामसँ अपन एकटा बहुत सुन्दर अस्पताल चला रहल छथि आओर बहुत गोटा एहिठामसँ लाभान्वित भऽ रहल छथि। आईके जे कॉम्प्लिकेशन्स छै या फेर एहिमे अबैवला जे दिक्कत छै ताहिपर हमरासभ आइ बातचीत करब हिनकासँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनन्दन मिथिला जी, नमस्कार। शुरुआत जेना कहलियै जे नयन बिना पंथ भारी, अगर आँखि नहि अइ तऽ सभकिछु जे छै से पूरा अन्हार लगैत छै। तऽ आँखि मेडिकल टर्म्समे अगर पूछल जाय तऽ आँखि कतेक महत्वपूर्ण मानैत छी? आँखिके आँखि बहुत महत्वपूर्ण यऽ, ओकरा बिना तऽ किछु देखिए नहि सकैत छियै। आओर मानि लिअ ब्रेन ठीक रहै आओर हार्ट ठीक रहै, लेकिन आँखिमे यदि रोशनी नहि यऽ तऽ फिर सब बेकार यऽ। बिल्कुल सही अपने कहलियै। आओर दोसर जे एखुनका जे अपना सभक लाइफ स्टाइल अइ, जे दिनचर्या अइ, ताहिमे डायबिटीज एकटा आम बात भऽ गेल छै, मधुमेह एकटा आम बात भऽ गेल छै। आओर हमरा लगैए जे मधुमेहके शुरुआत होइत, डायबिटीजके शुरुआत होइत, शरीर अहाँके व्याधिके घर भऽ जाइ छै। नाना तरहक बीमारी जेना हार्ट, किडनी, आओर सबसँ बेसी एकर अटैक जे छै से आँखिपर होइत छै, लेकिन लोक बुझि नहि पबै छथिन अपना ओहिठाम। तऽ ई की कॉम्प्लिकेशन्स, केना केना कॉम्प्लिकेशन्स अबैत छै? यदि शुगर कंट्रोल नहि छै तऽ आँखिके रोशनी जा सकै छै। सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम ई छै कि यदि एहिपर ध्यान नहि देल गेलै तऽ आँखिमे खून आ जेतै, बुझि गेलियै, आओर आँखिमे जैसे खून हेतै तऽ ओहिसँ रोशनी एकदम खतम भए सकै छै। तऽ जिनका भी शुगरके प्रॉब्लम छै, हर 3 महीनापर 6 महीनापर आके शुगरके कॉम्प्लिकेशन्स आँखिमे जे छै मेन होइ छै कि आँखिके पर्दामे होइ छै, बुझि गेलियै, आँखिके पर्दामे खून जमि जाइ छै, थक्का हो जाइ छै, ओकर बाद जे छै नया वेसल्स बनि जाइ छै, ओकर फेर ब्लड ब्लीडिंग हो जाइ छै, अचानक रोशनी खतम हो जाइ छै। दोसर बात, आँखिके प्रेशर बढ़ि जाइ छै, प्रेशर बढ़ैके बाद छै कि बहुत ज़्यादा दर्द रहतै, पानी निकलतै, फिर वो रोशनी समझियौ कि एकदम खत्म भए जेतै आँखिके। तऽ डायबिटीज कितना बड़ा मतलब बहुत भीषण कहियो समस्या छै, मतलब आँखिके रोशनी, आँखिके हेल्थके लिए। यदि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड छै, कंट्रोल नहि भए रहल छै, तऽ आँखिके डॉक्टरके जरूर दिखाना चाही। बहुत बढ़िआँ बात अपने कहलियै। दोसर, डायबिटीजके बाद जे छै से अपना ओहिठाम एकटा आओर गम्भीर जे ग्रामीण क्षेत्रमे एकटा बीमारी छै जकरा मोतियाबिन्द कहैत छी, आओर मोतियाबिन्दके लऽ कऽ ओहिठाम नाना तरहक भ्रान्ति छै जे ठण्डाके समयमे ऑपरेशन करायब तखने बेसी सक्सेस होइत छै, या फेर एखन मानि लिअ किनको अगर कॉम्प्लिकेशन शुरू भऽ गेल छनि, ओ दू तीन सालके बाद सोचै छथिन जतेक काल तक पकतै नहि ततेक काल तक हम ऑपरेशन नहि करेबै। तऽ ई की मिथक छै, ताहिके विषयमे हम जानय चाहब। देखियौ, पहिलेके जमानामे जब मोतियाबिन्दके ऑपरेशन होइ रहै तऽ ओहिमे टाका लागै रहै। आब जे छै नया जेनरेशनमे टाकाके कोइ मतलब रोल नहि छै, थोड़ा सा इंसिजन होइ छै, फिर मशीनसँ मोतियाबिन्दके ऑपरेशन हो जाइ छै। आओर चीरा भी ओहि समयमे बड़ा चीरा लागै रहै, चीराके लिए टाका लगाएल जाइ रहै। तऽ आब ठण्डी आओर गर्मीके कोइ बहुत ज़्यादा रोल नहि छै, हाँ 1-2 हफ्ता जरूर छै कि जे थोड़ा प्रिकॉशन लिअ पड़ै छै, बुझि गेलियै ने, लेकिन आब मोतियाबिन्दके ऑपरेशन ठण्डामे ही हो जाए पूरा, आओर जितना जल्दी हो जाए ओ ज़्यादा अच्छा बात छै, ओहिसँ अच्छा रोशनी आबैके सम्भावना होइ छै, बुझि गेलियै ने। तऽ इसलिए नहि तऽ ज़्यादा पकै देना चाही मोतियाबिन्दके, आओर ठण्डा आओर गर्मीसँ कोइ ज़्यादा रिलेशन नहि छै ओहिमे। जनरली अगर आँखिमे ककरो पावर बढ़ि जाइ छै या कोनो तरहक अगर समस्या आबै छै
तऽ तखन कोन कोन तरहक जे छै से प्रॉब्लम भऽ सकै छै, लाइक माथमे दुखी भऽ सकै छै, माथमे चक्कर आबि सकै छै, तऽ ई तऽ मानि लिअ छोट छोट चीज भेल जे हमसभ बुझैत छी, लेकिन मेडिकल टर्म्समे बहुत रास एहन बात छै जे जकर मास्टर अहाँसभ छी, तऽ ओ की चीजसभ छै? देखियौ, एक तऽ होइ छै कि आँखिके सूखापन हो जाइ, सूखापनके कारण जे छै एक डायबिटिक भी छै मधुमेह, आओर दोसर भेल कि थायराइडके प्रॉब्लम। जब भी सूखापन होइ छै तऽ आँखमे जलन होनाइ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाइ छै। दोसर छै कि मैक्सिमम लोग आजकल मोबाइल पे काम करैए या लैपटॉप पे देख रखै छै, एहिसँ आँख बहुत ज्यादा सूखापन होइ छै, ओहिसँ हेडेक भी स्टार्ट भेल आओर रोशनीमे थोड़ा दिक्कत हो जाइ छै। एहन कंडीशनमे की करल जाए कि जे पानिके ज्यादा मात्रा लेना चाही आओर एक मतलब हर महीना डेढ़ महीना पे एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि हमारा सूखापन कितना है। यदि बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए फिर मेडिसिन भी स्टार्ट करना पड़ता है, मुझके लिए ना। तो मतलब कुल मिला के ये भेल जो आँख के ड्राई नहीं हुआ दिए, अच्छा ये भेल जो ड्राई वाला। और दोसर बात जकरा नॉर्मल केस में या रेगुलर बेसिस पर अगर जकरा आँख से पानी निकल रहा है तकर की कारण भ सकै छै? देखियौ, पानी निकलै के एक कारण छै जे पहला कारण एलर्जी छै, एलर्जी छै तऽ एलर्जी के तऽ ओ तऽ ठीक हो जाइ छै, दवाइ लेतै तऽ ठीक भए जेतै। दोसर कारण छै कि यदि आँखके नली छै जे नाकमे खुलै छै, ई जन्मजात भी हो सकै छै, एक्वायर्ड भी भए सकै छै, ट्रॉमा के कारण भए सकै छै, चोट लागल छै, तऽ यदि ओ चीजके टेस्ट करल जाइ छै, सुई दए कऽ टेस्ट करल जाइ छै, यदि ओहिमे ब्लॉकेज छै तो ओकर फिर ऑपरेशन करके वो ठीक हो जाए छे। एलर्जी वाला प्रॉब्लम मेडिसिन चले छे, कुछ दिन के बाद ठीक भए जेतै, बुझ गेलियै? एहिठाम जे छै से मधुबनीमे कते दिन से कार्यरत छी अपने, मतलब ई जे अहाँके मीरा आइस केयर के नाम से जे अहाँ सब अथी कऽ रहल छी? यहाँ 4 साल से छी, पहले क्रिप्स हॉस्पिटलमे आँख डिपार्टमेंट के देख रहल रही, ओकर बाद सदर हॉस्पिटलमे आयल रही, सदर हॉस्पिटल मधुबनीमे, वहाँ काफी सर्जरी करलो, और उसके बाद जे छै यहाँ पर अपना मीरा आई केयर में खोलने छै, यहाँ 2 साल से छै। केहन रिस्पांस छै ग्रामीण? बहुत 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 रिस्पांस है, काफी लोग जी बहुत। तब जे एतेक रास मतलब एम्पल ऑफ जे पेशेंट्स अहाँ देखलियै, ताहिमे कोनो एहन सिमिलैरिटी पेशेंट के अंदर जे एहन तरहक एकटा इनहिबिशन या हेजिटेशन मोनमे एहन कोनो बात जे पेशेंट नुका कऽ रखै छै या डॉक्टर तक ओ चीज लऽ कऽ नहि अबै छै, अहाँके एग्जामिन मे एहन तरहक कोनो बात? देखियौ, कभी कभी ई देखने छियै कि जे शुगर के बारे मे पेशेंट नहि बतेलक जे हाँ हमरा इतना दिन से शुगर छै, और जब भी चश्मा के जांच हम करै छियै तऽ हम शुगर के टेस्ट जरूर कराबै छियै, कि जब शुगर कंट्रोल नहि रहै छै तो ओहि केस मे चश्मा के नंबर भी गलत हो जाइ छै, तऽ पेशेंट बार बार छुपाबै छै या जे भी कहियो कि ओ जांच करबै से थोड़ा सा हेजिटेशन करैत रहै छै कि शुगर के टेस्ट कराएं कि नहि, शुगर निकल जाएगा निकल जाए तऽ की हेतै, बुझि गेलिए ना? तऽ ई चीज देखलो है ना। दोसर बात जे छै दवाइ डालैमे आँखके पेशेंटके की छै, जब ऑपरेशन होइ छै तऽ ओ दवाइ कुछ दिन तक महीना तक जे छै काफ़ी मात्रा में दवाइ डालना पड़ै छै, तऽ पेशेंट इहो सबसे थोड़ा हिचकिचाबैत रहै छै, जे कि बहुत ही जरूरी छै कि जब ऑपरेशन होइ छै जे डॉक्टर के एडवाइस छै ओ प्रॉपर वे में मेडिसिन देल जाए। एकटा सवाल और हमरा मन में आबि गेल कि अगर मान लिया कि ओ डायबिटिक छै तऽ तकरा स्क्रीन लगातार देखनाइ या लैपटॉप के या मोबाइल के कोनो स्क्रीन लगातार देखनाइ कते घातक भऽ सकै छै? लगातार मोबाइल देखना स्क्रीन देखना सबके लिए घातक छै, लेकिन डायबिटीज वाला के लिए ज्यादा घातक छै, कि डायबिटीज से एक सूखापन भी भए रहल यऽ और ई सूखापन के बढ़ाबै छै मोबाइल देखना, और आँख के रोशनी के भी जे छै धीरे धीरे कम होइ छै। कारण की छै कि जे रेडिएशन आबै छै मोबाइल से ओ आँख के ज्यादा डैमेज करै छै, बुझि गेलियै ना? तऽ ओहि केस मे की करल जाए कि यदि पावर नहि छै लागल तो एक हाँ एंटी ग्लेयर चश्मा लगेनाइ जरूरी रहै छै, यदि अहाँ 2 घंटा से ज्यादा देखै छियै तो जरूरी छै कि एंटी ग्लेयर चश्मा लगाना चाहिए, बुझ गेलियै? आँख के स्वस्थ रखबाक लेल जे आम लोग छथि जिनका कोनो तरह कॉम्प्लिकेशंस नहि छनि, कोनो समस्या नहि छनि, या फिर जेना हर तरहक हेल्थ के अपना आपके लोग फिजिकल या मेंटल हर तरहक लोग एक्सरसाइज सब चीज के करैत छै, तो आँख के कोन एहन एक्सरसाइज होइ जकरा कयला सँ जे छै से लोग डेली अपन आई केयर कऽ सकै छथि? देखो, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ओहि पर फोकस हम नहि करि रहल छी, लेकिन ई छै कि एक सावधानी रखे पड़तै कि यदि आँखमे कुछ भी गेल, मानि लिया कोई कंकड़ गेलै तऽ ओकरा मलनाइ नहि छै आँखके, बुझि गेलियै? तऽ ओकरा हल्का सा
पानी से हल्का सा छींटा मार के ओकरा निकालना छै। और यदि मलै छियै तऽ आजकल ई देख रहल छियै मलै के बाद जाके काउंटर से कहीं भी मेडिकल काउंटर से कोई भी दवाई लै लिए वहाँ ओ सब जे छै एक एस्ट्रॉइड दवाई दै दै छै, ओहिसे और हानि हो जाय छै। यदि थोड़ा सा लाली भी भए रहल छै तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करै, जे भी सरकारी हॉस्पिटल में करै या प्राइवेट में जहाँ सुविधा के अनुसार। और जे डाइट में हरी सब्जी ज़्यादा लेना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खाल जाए। आँख के यदि चाहे छे कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रहे तो तली हुई चीज़ें जैसे फ्राइड चीज़ें कम से कम ओकरा यूज करल जाए। और पानी एडिक्वेट मात्रा में पानी पीना या जल के यूज करना है, बुझ गए जी। कुल मिलाकर हमरा लगे जे अपना सब आई केयर से संबंधित जे विभिन्न पक्ष छै पर अपना सब बातचीत केलहुँ और ई कोनो अंतिम बातचीत नहीं, अपना सबक पहिल बातचीत है और समय दर समय अपना सब बैसित रहब और जे कोनो अहाँ नया कुछ आँखि पर रिसर्च या फिर एहन तरह कोनो ऑपरेशन करबे तकरा सेहो हम सब लोग तक लऽ कऽ आबनि। समय देबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ई छला है डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जे कि दिल्ली के मौलाना आजाद कॉलेज से पास आउट छथि और आँखि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत नीक काज कर रहल छथि। तो अपने लोकन हिनकर बातचीत सुनलहुँ और उम्मीद करै छी जे हिनका बातचीत पर अपने सब अमल सेहो केने हैब। आजुक अंक में एतबे, फेर बैसब डॉक्टर साहब संगे और आँखि से संबंधित और बातचीत पर और चीज के लऽ कऽ अपने लोकनिक सोझा आयब। ताधरि के लेल नमस्कार, धन्यवाद।